नमस्कार साथियों, मैं आपको जो हाईकोर्ट भर्ती का भी आयोजन हुआ है एनडीसी भर्ती का हाईकोर्ट में, इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ कि इसमें कई परीक्षा सेंटरों पर जो पेपर बंद लिफाफे में मिलने चाहिए वो खुले लिफाफों में मिले हैं। ये काफ़ी बेरोजगारों के लगातार मैसेज और कॉल आ रहे हैं, उससे हमें ज्ञात हुआ है। तो हम मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहते हैं, हम उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि महोदय जल्द से जल्द इस भर्ती की एसओसी से एक बार जांच करवा दीजिए और भर्ती को कंटिन्यू चलते रहो। साथ ही हमारा निवेदन है कि जो विधानसभा में जो कानून लाया गया है नकल विरोधी कानून, इसका जल्द से जल्द इसको इम्प्लीमेंट में लाया जाए, क्योंकि लगातार भर्तियों को प्रोसेस चल रही है। तो जल्द से जल्द इस नियम को भर्तियों पर अप्लाई किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो नकल में जो पकड़े जाते हैं दोषी, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। नियमानुसार जो ये अध्यादेश लाया गया है इसके अकॉर्डिंग उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और जो ये रीट भर्ती में जो आयोजन हुआ था उसमें भी काफ़ी गड़बड़ी हुई है, तो अब ऐसी गलती दोबारा ना हो तो इसके लिए जो नियम लाया गए थे विधानसभा में, तो उनका धरातल पर उनको इम्प्लीमेंट करो, उनको धरातल पर उनका मतलब उसको यूज में लो नियमों का। और जो ये हाईकोर्ट की भर्ती में जो कई ये हुई हैं गपड़े, तो इनकी जांच हो और जो दोषी पाया जाता है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। क्योंकि कई परीक्षा सेंटरों पर जो स्कूल हैं कॉलेज हैं, तो उनके कॉलेज के जो संस्था के जो संस्था मालिक हैं उन्होंने ये गड़बड़ी कराई है। तो हमारी जो सीएम साहब हैं उनसे मांग है कि जो परीक्षा का जो सेल है राजस्थान हाईकोर्ट का, वहाँ से एसओजी की जाँच करवा कर हर स्तर तक जाँच करवाएँ, जिससे दोषियों को पकड़ा जा सकता है। राजस्थान युवा बेरोजगार महासंघ मुख्यमंत्री महोदय से ये मांग करता है कि बेरोजगारों की भावना को ध्यान में रखते हुए एसओजी को एक बार फ्री हैंड छोड़कर इस भर्ती के लिए भी किया जाए, क्योंकि रीट भर्ती में बहुत सारे ऐसे फर्जी लोगों को पकड़ा गया है। उम्मीद करते हैं इस भर्ती में भी जो लिप्त पाए जाते हैं उनको पकड़ा जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बेरोजगार आपसे यही उम्मीद करते हैं। धन्यवाद।